डायरेक्टर जस्ट टू आवर्स की छुट्टी दे दीजिए मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा बस इस बार छुट्टी दे दो ये समझ के कि मैंने ये एक्ट एक बार में क्लियर किया है एक घंटा भी चलेगा डायरेक्ट कुछ बोल बोल पाता उससे पहले ही यही भाग चुका होता है लॉकर रूम में जाकर वह अपने कपड़े बदलते हैं मिस यू को बोलता है की कपड़ों को मैंने हैंगर में टांग दिया वहाँ से कलेक्ट कर लेना मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा मिस बोलती है ओके यही बहुत अच्छे से तैयार होता है और बोलता है अब हमें जाना चाहिए आगे जाता है तो बहुत सारी भीड़ को देखा है और साथ ही वह स्कूल गेट पर पहुंच चुका होता है जहां पर सारे बच्चे निकल रहे होते हैं और तभी वह बोलते हैं रुरू इधर आओ रुरु यही को देख के हैप्पी हो जाता है रुरु रु माई हनी यही रूरू भले मिलते हैं रुरु आइसक्रीम खाता है यही बोलता है कि सिर्फ आइसक्रीम पर ही फ़ोकस मत करो रोड पर भी फोकस करो बच्चा बोलता है कि तुम भी आइसक्रीम को टेस्ट करो दोनों हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तभी बच्चा बोलता है कि तुम मेरे से कितने नीचे हो और तभी यही झुक के बैठता है तबीयत कार्य की रुकती है उसमें कई सारे लोग बैठे होते हैं उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है कि अभी हमें इन लोगों को किडनैप करके ले जाना है इसी टाइम पर बच्चा अपने आप को आइसक्रीम खिला रहा होता है सूट पहने हुए काफी लोग उतरते हैं और बोलते हैं मिस्टर यही आपको हमारे साथ चलना होगा उसे एक मिनट के लगता है क्या ये क्रेजी फैंस है जो आकर उसको चलने के लिए बोलते हैं उनमें से एक आदमी लाइटर निकलता है और सिगरेट को जलाता है और तभी उसे एहसास होता है की यह लोग फैंस नहीं है बल्कि किडनेपर जैसे लग रहे हैं यही पूछता है कि बस हमने क्या किया है जब हमें ले जाना चाहते हैं क्या आपने किसी गलत लड़के को चुन लिया है मैं एक बहुत ही अच्छा सिटीजन हूं मैं कभी भी कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है और मेरे पास मनी भी ज्यादा नहीं है लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर सकते हैं यदि आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं दस से बीस तक आपको दे सकता हूँ यही वह ये भी बोलता है की आप मुझे ले चलो लेकिन बच्चे को छोड़ दो यही यहरुरों को अपने बाहों में भर लेता है और सोचता है की अब मैं क्या करूँ और मनी मन में बोलता है की माँ बाप आप मेरे लिए पैसों की तैयारी करके रखना क्यूँकी मैं किडनेप होने जा रहा हूँ वह किडनेपर से टाइम भी मांगता और बोलता है कि इससे पहले आप मुझे ले जाएं मुझे एक कॉल को अटेंड करने दीजिए तभी वह डायरेक्टर को बोलता है कि डायरेक्ट आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन मुझे किडनेप किया जा रहा है काले कपड़े पहना हुआ आदमी बहुत ही इरिटेट हो जाता और बोलता है इन्हें लेकर जाओ यहाँ से साथ ही वही का फोन स्विच ऑफ कर देता है गाड़ी फुल स्पीड में चली चल रही होती है हीरो अपने बच्चे रुरु के साथ मिडिल में बैठा होता है और उसके बाजू में काले रंग के कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए होते हैं बच्चा बोलता है कि मुझे सूसू आ रही है और तभी हीरो सो रहा होता है कि मैं तो ज्यादा फेमस एक्ट भी नहीं हूँ फिर भी मैं किडनेप हो गया हूँ कल का हेडलाइन ये होगा कि मुझे किसी ने किडनेप कर लिया है और शायद ये भी हो सकता है कि किसी ने मुझे किडनेप करके बेच दिया है उन दोनों को घर के अंदर धकेला जाता है और वह लोग किसी घर में अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है तभी उन्हें का आवाज आती है कि मिस्टर इस तरफ लिए आपको बहुत समय से देखा नहीं है यह आवाज़ एक लड़की की होती है तभी यही सोचता है कि यह क्या कोई फैन है जो मेंटली पागल है और इसलिए मुझे जानती है वह चारों तरफ देखा है और देख कैसे लगता है कि विला तो बहुत ही शानदार है इसका मतलब है ये लोग मुझे यहाँ सेल नहीं करेंगे लड़की सीधी से उतर के आती है और बोलती है इस तरफ आइए और सोफे पर बैठिए तभी रूनू बोलता है कि मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता मुझे सूसु आई है ये पूछता है कि मुझे आप बता सकती है क्या बाथरूम कहाँ है लड़की बोलती है कि आगे से राइट मुड़ जाए तो बाथरूम मिल जाएगा फादर एंड सो बाथरूम में जाते हैं सुसू करते हैं और अपना हाथ धोते हैं और तभी दोनों झाक के देखते हैं की क्या हो रहा है आगे उसकी नजर जाती है की एक पो जाकर बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ है और वह कहता है की आप लोग लिए आप भी कुर्सी पर बैठी है और तभी सीओ बोलता है की मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और डायरेक्ट पॉइंट पर बात करूंगा जो बच्चा जो पकड़ कर बैठे हो वह मेरा बच्चा है वह मेरा बायोलॉजिकल सन है सीईओ बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सालों तक मेरे बच्चे को पाला है लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा सोन को वापस कर दीजिए सीओ एक चेक निकलता है उसमें पचास लाख रुपए लिखता है और बोलता है ये चेक यहाँ पर है इसे ले लो साथ में ये भी बोलता है कि यदि इतना काफी नहीं है तो मैं इसे डबल भी कर सकता हूँ तभी हमारा हीरो बोलता है कि यह यहाँ पर पचास हजार है जो मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर दे रहा हूँ हमें किडनेप करने के रूप में दूसरी और बच्चा अपने पॉकेट से बहुत सारी चॉकलेट्स और लॉलीपॉप निकलता है और वह भी उसे पचास के ऊपर फेंक देता है कि यह अब तुम ले लो हीरो बोलता है कि यदि यह इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ लेकिन बच्चा अपनी पॉकेट को टिटोलत हुआ देखा उसमें कोई भी चॉकलेट नहीं है तो अपने मन में सोचता कि मैं अब और कुछ नहीं दे सकता सीईओ बोलता है कि मिस्टर ये आपको शायद एक बार चेक देखना चाहिए उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए तभी यही बोलता है कि मैं सब कुछ तो तुम्हें दे दिया है अब और तुम्हें क्या चाहिए साथ में ये भी बोलता है कि ऐसे इमोरल चीज मत करो किडनेपिंग और यह सब तुम बेवकूफ़ प्रोफेशनल नहीं हो तुम्हें यदि मुझे चीट करना था तो प्रोफेशनल लोगों की तरह चीट करना चाहिए था तभी मिस्टर सी का मैनेजर और उनकी जो सेक्रेटरी है उनको ये सुनकर पसीना सा आ जाता है तभी सी बोलता है की क्या तुम्हें लगता है की मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ तभी मैनेजर रिपोर्ट निकलता है और ये को देता है यही अपने मन में सोचता है कि जब तक मैं इनको क्लियर नहीं बात बोलूंगा तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा यही रिपोर्ट को हाथ में लेता है और उसे देखने लगता है ये रिपोर्ट कुछ और रिपोर्ट नहीं होती यह डीएनए की रिपोर्ट होती है यही बोलता है कि यह एक फेक रिपोर्ट है ऐसी फेक रिपोर्ट तो कोई भी बन सकता है तो मुझे इस रिपोर्ट को दिखाकर उल्लू नहीं बना सकते मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं देखूंगा ऐसा क्या केवल रिपोर्ट को फेंक देता है और हंसने लगता है सीयू बोलता है कि कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता तभी यही बोलता है कि फैक्ट क्या है कि यह बच्चा मेरा है और यह कभी भी चेंज नहीं हो सकता वह वहलुरु को काफी टाइटली पकड़ता है आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी करवाई थी और वह सब सोचता है कि यह तो कॉन्फिडेंशियल था किसी को पता नहीं चलना चाहिए था तो यह रिपोर्ट वाकई में फेंकी होगी यही बोलता है कि मुझे प्रूफ देने दो अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो मेरी आईब्रोज और बच्चे की आईब्रो से है मेरी आंखें और बच्चे की आंखें भी से है हम दोनों एक दूसरे जैसे देखते हैं सीओ बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह सारी चीज मेरे से ज्यादा मैच होती है यही बोलता है कि यह भी देखो वह बच्चे की नाक पर हाथ लगातार बोलता है इसकी नाक में रह जाती है और फिर अपने चेहरे पर हाथ लगाता और बोलते देखो मेरी नाक भी उसके जैसी है और यह भी बोलता है कि सब कुछ मेरे जैसा ही है, नहीं ऐसा लगता नहीं है कि यह तुम्हारे जैसा है यही बोलता है कि और ये देखो पिन क्लिप्स ये भी मेरे जैसे हैं और उसके बाद वह अपने बच्चों की चीन के ऊपर हाथ लगाता और बोलता है देखो यह मोटी सी चीन भी मेरे चीन जैसी है सीईओ बोलता है कि हाँ वाकई में चीन तो तुम्हारे जैसी है वह मेरे जैसी नहीं है यही पूछता है कि कौन सा पार्ट है जो मेरी तरह नहीं दिखता है देखो इसे लड़की मनी माँ सोचती है क्या यह आदमी ब्लाइंड है सीईओ का सिर दुख जाता है और वह बोलता है कि इन्हें बाहर ले जाओ काले कपड़े पहने हुए आदमी उसे उठाते हैं और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं लोग उसे अपनी गोद में उठते हैं और उसे बाहर की तरफ फेंकने ही वाले होते हैं तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है कि तुम लोग बहुत ही बुरे लोग हो और तभी वह बोलता है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो नहीं तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं तभी सीईओ के मैनेजर को कॉल आता है और वह बोलता है हेलो हां मैं ही बोल रहा हूं दूसरी और छोटा लड़का जोर जोर से रोने लगता है सारे बॉडी को समझ में नहीं आता है कि वह बच्चे को कैसे चुप कराई क्योंकि बच्चा होने बोलने लगता है कि तुम लोग बहुत ही बेकार लोग हो सीईओ बैठ के बच्चे को देख रहा होता है तभी बच्चों को याद आता है कि उसकी टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था जिसमें लिखा हुआ था कि यदि लीडर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो लीडर का गैंग अपने आप ही कॉलेब्स हो जाता है बच्चा सोता है कि को ही डिफीट करने में भलाई रहेगी लड़का रेंगते हुए हुई है हमें और मास्टर के पास जाने की जरूरत है दूसरी ओर यही स्ट्रगल कर रहा होता है बॉडी गार्ड के साथ तभी सीईओ कहता है कि इन दोनों को वापस भेज दो और इन पर नजर रखना बॉडीगार्ड्स बेटे और फादर को दोनों को दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं यही बोलता है रुरु क्या हम सपना देख रहे हैं रुरु बोलते हैं कि लगता है ये सारे बैड गाइस हमारे सपने में ही है यही अपने घर पर जाता है और बिस्तर पर लेटा है बच्चा बोलता है कि यह लोग कितने ही बुरे थे तभी फादर बोलता है कि तुम इतनी चिंता मत करो रूर बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा फादर ऐसा बोलकर रुरु सो जाता है तभी अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि वह कैसे उसे समय में दारू पी रहा था और उसका असिस्टेंट बोलता है कि जो ऑडिशन पर जो इससे शायद तुम्हें हिम्मत मिलेगी जब ऑडिशन रूम में जाता है तो वह बड़ा ही साइड और डिप्रेस्ड होता है और किसी तरह उसे यह रोल मिल जाता है तभी एक मैनेजर से बुलाता है और बोलता है तुम्हारा फॉक्स ठीक नहीं है क्यों नहीं तुम जाकर कुछ और दिन तक स्टडी करो वह सोचता है कि वह एक्ट बनना चाहता था और उसने यह बात अपने माता पिता को बोली थी उसके माता पिता यह बात सुनकर फिरोज हो जाते हैं उसके माता पिता बोलते हैं यदि तुम एक्ट बनोगे तो तुम कब शादी करोगी और तुम्हारा कब बच्चे होंगे बच्चों की बात को लेकर वह परेशान होता है इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना मैं कहीं एब्रॉड जाकर खुद ही बच्चा पैदा कर लू और जब मैं बच्चा पैदा कर लूंगा तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी उसे यह भी याद आता है कि कैसी उसकी मां ने बहुत सारी लिस्ट तैयार करी थी ब्लाइंड डेट पर जाने की और वह इन सारे ब्लैडेट से परेशान हो जाता है तभी उसका दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि वह जाकर प्रेगनेंसी के लिए अप्लाई करें और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तो वह प्रेग्नेंट हो सकता है कोई यह भी सोचता है कि क्या वह एक अच्छा पिता बन पाएगा और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी चिंता है मनो दूर हो जाती है वह अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने लगता है कभी उसे नहर आता है कभी उसके साथ खेलता है खत्म होता है दूसरी तरफ सी और नहा के निकलता है और सोचता है कि हम दोबारा मिलेंगे सी जब नहा के निकलता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में वह रिपोर्ट है और उसी के साथ तभी उनका बटल बोलता है कि आपको ओल्ड मास्टर अपने स्टडी में बुला रहे हैं सी कपड़े कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होकर आगे बढ़ता है दरवाजा खुलता है और अंदर जाकर बोलता है ग्रैंडफादर आपने मुझे बुलाया ग्रैंडफादर सी को बोलते हैं आओ इधर आकर बैठो और मुझे बताओ कि मेरे दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ है क्या तुमने उसके आदमियों को कुछ नुकसान पहुंचाया है अब तुम्हें घर का सारा पावर मिल गया है तो क्या तुम उसका शो ऑफ कर रहे हो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सभी की नजर तुम पर है तुम्हें थोड़ा ठीक से बिहेव करना चाहिए नहीं तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में आ जाएगी सीयू बोलता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को हाथ लगाने की कोशिश की थी जिसे उसने हाथ नहीं लगना चाहिए था ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या वह कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसे तुमने बहुत साल पहले डेट किया था लड़का सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर को वह जो भी करता है उसके बारे में सब कुछ पता होता है ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे तीन बच्चे हुए थे अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है तुम्हें सेटल डाउन हो जाना चाहिए क्वीन फैमिली की जो लड़की है वह वापस आने वाली है क्यों ना तुम उसके साथ अपनी शादी फिक्स कर लो सीईओ अपने ग्रैंडफादर को समझता है कि सेकंड अंकल ने जिन लोगों का आपको मेंशन किया है वह वह लोग नहीं है जो कि आपसे सोच रहे हैं वह मेरा बेटा है ग्रैंडफादर उसके चाय पी ही रहे होते और बोलते अच्छा तुम्हारा बेटा अचानक मुझे शौक लगता है और चाय वह मुंह से बाहर निकाल देते हैं ग्रैंडफादर पूछते क्या कहा तुमने तुम्हारा बेटा मुझे क्यों नहीं पता यह बेटा कहां से आया और कब आया कौन है तुम्हारी लवक किसके साथ तुमने प्रेगनेंट किया ग्रैंड फादर को बिठाने हैं और बोलता है रिलैक्स ग्रैंडफादर यह मेरा सन चार साल का है मानव ग्रैंडफादर को मुंह से खून निकल पड़ता हो यह जानकर उसका ग्रैंड सन साल का है और उसे यह बात पता भी नहीं है क्योंकि यह बात ग्रैंडफादर को काफी देर के बाद पता चलती है तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पिटाई का सीईओ किसी तरह अपने ग्रैंडफादर को काम करता है ग्रैंडफादर अपनी शर्ट का बटन खोलने हैं और एक मार्ग दिखाते हैं और बोलते हैं कि यह यह हमारे घर की जनरेशन से यह चलता आ रहा है और यही सिंबल है जो कि हमारी जनरेशन को आगे बढ़ता है क्या तुम्हें आज यकीन है कि वह तुम्हारा बड़ा बेटा है सीईओ ऑफ ग्रैंडफादर को बच्चों की फोटो दिखाता है और ग्रैंडफादर बच्चों की फोटो देखकर बोलता है यह तो मिक्स ब्लू है क्या तुम चोर हो कि यह तुम्हारा ही बेटा है साथ में वह भी पूछता है कि पांच साल पहले क्या हुआ था कि तुम्हें मैक्स ब्लड से बच्चा लेना पैदा करना पड़ा ग्रैंडफादर बच्चों के फोटो को दिखाते हैं और बोलते हैं देखो इसके बाल कितने है ये तुमसे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है सीईओ बोलता है कि मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन मैं बाद में जरूर बताऊंगा ग्रैंडफादर बोलते ठीक है मैं आगे कुछ सवाल नहीं पूछूंगा लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि यह बच्चे इतने साल तक कहां था और तुमने इसकी कैसे परवरिश की तभी सीईओ बताता है कि मेरे जो सेकंड अंकल है उनकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई थी और तभी मेरी मदर को प्रेगनेंसी में एक बच्चा और हुआ था और मुझे ये भी पता चला कि मेरे जो सेकंड अंकल है वह किसी फौरन अस्पताल को ट्रेस कर रहे थे वह भी इस साल के जिस साल में मेरा बच्चा पैदा हुआ था तभी मेरा मेरा डाउट यकीन में बदल गया और तभी मैंने अपने अंकल को ट्रेस करना चालू किया और मुझे पता चला कि मेरा एक बच्चा भी है सीईओ बोलता है कि मैं अपने बच्चों की मटर के साथ ख़ुद ही डील करूंगा तो आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है तभी मैनेजर का कॉल आता है और वह बताता है कि यही अपने बच्चों के साथ शूटिंग साइट पर जा रहा है सीईओ घड़ी में टाइम देखे थे रात के साढ़े बज रहे होते और वह सोचता है कि इतनी रात को बच्चों को लेकर कोई शूटिंग साइट पर जाता है क्या दूसरी तरफ यही अपने बच्चों को कहानी सुना रहा होता है प्रिंसेस और प्रिंस के बारे में रूर कहानी सुनते सुनते सो जाता है और तभी यही उसे गुड नाइट बोलता है और बोलता है कि गुड नाइट तुम्हें एक अच्छा सपना आया आज के लिए वह दरवाजा बंद करता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में एक फोन भी है उसे देखा है कि उसमें बहुत सारे मिस कॉल है और उसे याद आता है कि उसने डायरेक्टर को कहा था कि वह जल्दी आ जाएगा लेकिन वह गया नहीं वह फोन उठाता है और पावर बटन ऑन करता है तब देखा है कि उसमें बहुत सारे मिस कॉल थे वह सोचता है कि वह क्या करें उसे डायरेक्टर से माफी मांगनी चाहिए और वह डायरेक्टर डायरेक्टर को अपने मन में सोचता है कि वह डायरेक्टर से कैसे माफी मांगे बहुत देर कॉल करने के बाद किसी तरह कॉल लगता है और वह कॉल पर बोलता है कि डायरेक्ट सॉरी मैं ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूं तभी डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है तुम इस पोजिशन में नहीं होती तुम एक्सप्लेन करो और कल से तुम्हें कम पर आने की जरूरत नहीं है तभी उसे याद आता है कि आज जो शूटिंग थी उसके लिए सिर्फ दो घंटे बच्चे हैं वह जल्दी जल्दी जाता है और अपने बेटे को उठना है और उसे बोलना है सॉरी हमें अभी निकलना होगा वह किसी तरह अपने बच्चों को गोद में लेता है और लिफ्ट में चढ़ता है रूरों को अपनी गोद में लेकर जब अपने माँ बाप के घर जाता है दरवाजा बंद होता है वह कई बार रिंग बजना है लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता है तभी वह देखता है कि क्या समस्या है जो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है वह अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फोन भी नहीं उठाता तभी रूरू एक कागज उठाता है जिस पर लिखा होता है कि मेरे प्यारे सर हमें फ्री टिकट मिला था तो हम वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं ये कागज को देखते ही वह कागज को जोर से जमीन पर फेंक देता है और बोलता है कि हमेशा सेट पर साथ ही जाना पड़ेगा और टैक्सी मंगवाता है बाप बेटा दोनों टैक्सी में बैठते हैं वह टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह गाड़ी को चलाएं गाड़ी तेज गति से चल रही होती है है दूसरी तरफ डायरेक्ट बोल रखता है कि अभी तक यह आदमी आया नहीं है यह शूटिंग कैसे होगी यही जब सेट पर पहुंचता है तो वह डायरेक्टर से माफी मांगता है डायरेक्टर जब बच्चे को उसकी गोद में देखा है तो वह बोलता है तुमने यहां बच्चों को क्यों लाया क्या तुम्हें लगता है यह कोई गार्डन है या मार्केट है जो तुम किसी को भी यहां लेकर आ सकते हो क्या तुम्हें कुछ भी सेंस है कि, कि कितना टाइम हो चुका है और यहां सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम नए लोग कुछ भी काम को सीरियसली नहीं लेते हो यदि तुम अपने काम को सीरियसली नहीं लगे तो इस इंडस्ट्री में तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल है यही डायरेक्टर को बताता है कि यह जो बच्चा है वह मेरे दोस्त का बच्चा है यही वह जल्दी से चेंजिंग रूम में जाता है और अपने कपड़े बदलते हैं और एक लड़की को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रूरों का ख्याल रखोगी क्या यही ये तैयार हो जाता है और तभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा सीन है जिसमें तुम्हें वायरस बनाए जाएंगे और तुम्हें ये सीन करना होगा यही बोलता है कि वह रेडी है और वह वैसे ही एक्शन लेने की तैयारी में होते हैं रूर सोते हुए एक सपना देखा है जिसमें उसे दिखाई देता है कि यही खतरे में है वह सपने में देखा है कि उसके फादर को चोट लग गई है वह ऊपर से नीचे गिर गया है तभी वह सपने से उठ जाता है और दरवाजे की ओर जोर जोर से भागने की कोशिश करता है रू रोने लगता है दूसरी और सीईओ की पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा हो रही होती है और सेम चीज उसके ग्रैंडफादर को भी हो रही होती है दूसरी तरफ यही टेक पर टेक लिए जाता है टेक थोड़े खराब हो जाते हैं तभी उसे लगता है कि उसने रुरु के रोने की आवाज़ सुनी है बच्चा रोते हुए निकलता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो और देखता है कि यही पोजीशन लेने के लिए तैयार हो रहा होता है उसे साफ दिखाई देता है कि यह एक एक्सीडेंट में बदलने वाला है इससे पहले की डायरेक्ट एक्शन बोल बच्चा के अपने फादर का पैर पकड़ लेता है यही रुरु को बोलता है की मेरा पर छोड़ो लेकिन रुरु उसका पैर नहीं छोड़ता है डायरेक्टर कोई देखकर बड़ा गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वह लोग उसे नीचे लेकर आते हैं बच्चा बोलता है की मुझे डर लग रहा है तुम मेरे पास क्यों नहीं हो साथ में ये भी बोल है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सकते चलो तुम मेरे साथ सो और ऐसे करके वह जोर जोर से रोने लगता है यही बोलता है कि रुरु तुम मेरे साथ ही हो तुम यहां रहकर फिल्म को देख सकते हो बच्चे रोते हुए कहता है कि मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे घर ले चलो तभी फादर सोचता है कि ऐसा कभी भी रुरु ने नहीं किया है आज ऐसी क्या बात हो गई जरूर इस तरीके से बिहेव कर रहा है यही फिर भी बोलता है कि थोड़ी देर सो जाओ जब तुम उठोगे तो हम घर पहुंच चुके होंगे डायरेक्टर के गुस्सा की कोई सीमा नहीं होती है तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप इन्हें घर जाने दीजिए इसमें इसके फेस की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है हम किसी बॉडी डबल को उसे कर सकते है फादर और सन एक बहुत सा क्यूट लुक देते हैं ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद फादर अपने बच्चों से कहता है कि आज तुम बहुत ही नोटी थे क्या बात है जो आज तुम्हारा मन इतना विचलित है 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 बच्चा बोलता कि कि उसे डर लग रहा वह कहीं चला जाएगा ये को हक करता तभी एक आवाज आती है कि वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया है और यह वही घटना होती है जो लड़के ने अपने सपने में अच्छी होती है वाकई में जो बॉडी डबल था वह बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है बच्चा यह चीज देखता है और उसे याद आता है कि यह उसने सपने में देखा था यही बच्चों की आंखों को कवर करता है लेकिन बच्चा फिर भी क्या आप मुझसे देखा है और उसे दिखाई देता है कि उसे बॉडी में से कुछ लाल रंग का धुएं जैसा निकल रहा है एक्सीडेंट होता है और सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं सब लोग उसे आदमी को घेर के खड़े होते हैं तभी असिस्टेंट बोलता है कि सब लोग दूर हटो और अस्पताल में कांटेक्ट करने की कोशिश करो एम्बुलेंस बुलाओ यही यही बोलता है कि वह थोड़ा मदद कर सकता है वह किसी भी तरह ब्लीडिंग को रोकने में मदद कर सकता है और वह आगे जाने की रिक्वेस्ट करता है असिस्टेंट उसे अपने साथ ले जाता है और वह लोग ब्लीडिंग रोकते हैं जाने से पहले वह रुरू को कहता है कि तुम यही रुकना और कहीं मत जाना रुरू कोशिश करता है उसे रोकने की लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता यही बोलता है कि अंकल को इंजरी हो गई है इसलिए उन्हें ठीक करना जरूरी है इसी के साथ यही चला जाता है आदमी की मदद करने के लिए जब यह उसकी बैंडेज कर रहा होता है आदमी की तो उसमें से एक रेड कलर का स्मोक निकलता है और यह चीज बच्चा देखता है और उसे लगता है कि यह एक गंदी चीज है जो उसके फादर की तरफ अप्रोच कर रही है वो यही को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोकने से पहले ही वह गिर जाता है और सोचता है कि उसे चोट लग गई है और फिर भी वह कोशिश करता है भागने की लेकिन आगे भागते भागते हुए डायरेक्टर से जाकर टकरा जाता है डायरेक्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोलता है जब से तुम सेट पर आए हो तब से यह सब प्रॉब्लम हो रही है और डायरेक्टर उसे बच्चों को एक चांटा मार देता है बच्चा नीचे गिर जाता है तभी सीओ आता है और डायरेक्ट डायरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की बच्चा सो रहा होता है कि अभी उसे चांटा पड़ेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सीईओ डायरेक्टर का हाथ पकड़ चुका होता है तभी सीईओ की असिस्टेंट आई है और बच्चे को गोदी में ले लेती है बॉडी गार्ड जाते हैं और डायरेक्टर का हाथ मोड़ देते हैं सीईओ कहता है कि बच्चों को तुमकर की तरफ ले जाओ लेकिन बच्चा जान से इनकार करने लगता है वह बोलता है कि उसे अपने फादर को देखना है और बोलता है कि मुझे जाने दो सीओ ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वह बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है बच्चा उसकी गोद में आता है और उसे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और वह एक बहुत ही क्यूट फेस बनता है और उसके अंदर बोलता है कि उसे यही के पास जाना है सी जो बोलता है कि तुम उसके पास जा सकते हो लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा और तभी दूसरी तरफ यही बैंडेज कर चुका होता है और बोलता है कि इसकी जो ब्लीडिंग है वह रुक गई है और एम्बुलेंस भी तभी तक आ जाती है बच्चा तुरंत अपने फादर की गोद में चढ़ जाता है रुरू क्या हुआ यही पूछता है कि तुम तो यहां क्यों आए हो तो वह बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि कोई मेरे बच्चे को मार रहा था तभी यही बोलता है किसने मेरे बच्चे को मारा सी बोलता है कि डायरेक्टर ने तुम्हारे बच्चे को मारा और बच्चा भी डायरेक्टर की तरफ हाथ पॉइंट आउट करके बोलता है कि हाँ डायरेक्टर ने मुझे मारा तभी यही गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है कि तुमने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और उसी के बाद वह अपने बच्चों को गोदी में लेकर जाता है और अपना पर उठाता है और डायरेक्टर को लात मार देता है साथ ही बोलते हैं कि यह हमें बहुत समय पहले ही करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर सकता था इसलिए आज तक मैंने यह नहीं किया लेकिन तुम आज बहुत ही दूर तक चले गए तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की सीओ और उसकी असिस्टेंट दोनों ही ये देखने लगते हैं और उन्हें हंसी आ जाती है उसका रिएक्शन देखकर ये बच्चे के साथ घर जाने की सोचता है यही रुरु जब जाना शुरू करते हैं तभी देखते हैं कि बॉडी उनके पास है और सीओ बोलता है कि उन्हें जाने दो उन्हें हमारे साथ हमारे घर लेकर आओ लेकिन वह दोनों बोलते हैं कि हमें अपने घर जाना है लेकिन सीओ कहां सोता है कि उन्हें अपने घर जाने दिया जाए रात के ढाई बजे बज रहे होते हैं यही सीओ को फॉलो करता है और उनके पीछे पीछे निकलता है सीओ थोड़ा गुस्से में होता है वह बोलता है कि तुम इतने छोटे से बच्चे को सेट पर कैसे लेकर आ सकते हो तभी यही बताता है कि यह पहली बार है जो उसे सेट पर लेकर आया क्योंकि उसकी देखरेख करने के लिए कोई था नहीं यही रुरु को गोद में लिए दुखी हो जाता है बॉडी उन लोगों को उनका कमरा दिखाए और बोलते हैं की तुम आज रात इस कमरे में रहोगे यही नहाने के लिए जाता है जब नहा के निकलता है तो देखा है की रुरु जाग गया है और वह पूछता है की बेटा तुम क्यों उठ गए बच्चा बोलता है की उसे हक चाहिए और फिर वह दोनों एक दूसरे को हैक करने लगते हैं रुरु सोचता है की यह काले रंग की चीज जो यही के अंदर चली गई थी बच्चा यही की चेकिंग करना चालू कर देता है कभी उसके गले में देखता है तो कभी उसके बालों को उठा कर देखा है तो कभी उसके कपड़ों में देखा है तभी सीओ आ जाता है और वह ये सब देख कर थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है की जाकर डॉक्टर को बुलाकर लो शायद रूरू को चोट लगी है तभी वह देखता है की बच्चों को उसका बाप हवा में उछाल रहा है और दोनों बड़ी खुश नजर आ रहे हैं बच्चा भी बड़ा खुश नजर आता है सीओ ये देखकर और भी गुस्से में आ जाता है